करोगे कि ये जो नया बैलेंस है आपके पास, ये जो बैलेंस शीट है जहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये सब प्लस माइनस करके रखा हुआ है, सिर्फ आपको नेट उसका इफेक्ट देना है। अब तक क्या करते थे अपन, पुराना बैलेंस शीट लेते थे, फिर उसमें जर्नल एंट्रीज का एडलेस करके के नया इफेक्ट देते थे, बट यहाँ पे वो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपन ने जर्नल नहीं बनाया, सीधा सीधा अपन ने यहाँ पे इफेक्ट दे दिया, तो सीधा नेट उसका ही बैलेंस शीट बनाएंगे। चलो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओ। देखो बैलेंस शीट कौन सी डेट का आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो एज ऑन 31 मार्च 2012 दिया हुआ है, सो राइट बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2012, ब्रैकेट में क्या लिखने का, एंड रिड्यूस्ड, मतलब ये समझेगा कि रिकंस्ट्रक्शन के बाद वाला बैलेंस शीट है। पर्टिकुलर्स नोट्स नंबर रुपीस, फर्स्ट इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इट इज अ फर्स्ट हेडिंग, उसका फर्स्ट होता है शेयर होल्डर्स फंड, उसमें फर्स्ट होता है शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये दोनों लिख के रखने का। चलो इतना लिख दिया, उसके बाद सेकेंड आता है नॉन करंट लायबिलिटी। अभी देखो यहाँ पे आपके पास डिबेंचर्स है, डिबेंचर गोज टू नॉन करंट लायबिलिटीज, बट ये नॉन करंट लायबिलिटी में डिबेंचर्स डालने के लिए ये 80,000 था और फिर पूरा 80,000 निकल गया, मतलब अभी अपने को डिबेंचर्स का तो कुछ है ही नहीं, सो मेरे को नॉन करंट लायबिलिटीज लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, सिर्फ दो ही चीज़ बचे हुए, फर्स्ट ट्रेड पेएबल एंड अदर करंट लायबिलिटी, सो सेकेंड हेडिंग आई विल राइट करंट लायबिलिटीज, उसमें फर्स्ट आई विल राइट ट्रेड पेएबल एंड सेकेंड अदर करंट लायबिलिटीज एंड टोटल, उसके बाद सेकेंड हेडिंग क्या आता है आपका असेट्स, असेट में फर्स्ट क्या आता है नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स का सबसे पहला आइटम फिक्स्ड असेट्स के अपने पास तीन है, सो राइट फर्स्ट टेंजिबल असेट्स। चलो ये हुआ, उसके बाद सीधा बैलेंस शीट, गुडविल तो गया, ये टेंजिबल में जाएगा, इन्वेंट्री कैश और ट्रेड रिसीवेबल, इफ़ यू सी इन्वेंट्रीज भी ज़ीरो हो जाता है, ट्रेड रिसीवेबल भी ज़ीरो हो जाता है, बट स्टिल अगर आपको लिखना है तो देखो आप कैसे लिखोगे, जैसे अगर नहीं भी लिखा तो आप कैसे लिखोगे, करंट असेट्स में सीधा लिख दो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्योंकि सिर्फ कैश का ही फिगर है, बट समझ लो आपको तीनों तीन लिखना है तो आप कैसे लिख दोगे, ITC अपना याद है जो मैंने फॉर्मेट करवाया था, ITC इन्वेंट्रीज ट्रेड रिसीवेबल एंड सीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तीन चीज़ें आती है इन्वेंट्रीज ट्रेड रिसीवेबल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड टोटल। अभी सबसे पहले तो नोट्स बनाना पड़ेगा, नोट्स टू अकाउंट्स, देखो सबसे पहले आपका कौन सा नोट बनेगा, शेयर कैपिटल का, सो फर्स्ट आई विल राइट शेयर कैपिटल इज ऑथराइज कैपिटल गिवन इन योर क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑथराइज नहीं दिया हुआ है, सीधा इशूड एंड सब्सक्राइब दिया हुआ है, सो आई विल राइट इशूड सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, उसमें सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, नाउ कम टू दिस, देखो मेरे को सिर्फ ये बैलेंस शीट से जिसमें मैंने एडलेस किया हुआ है नया बैलेंस शीट बनाना है,
फर्स्ट प्रेफरेंस है कैपिटल, कितना है 1,20,000, उसमें से कितना गया 120, तो ज़ीरो हो गया, 0 + 90 दैट कम्स टू 90,000। सो यहाँ पे पहले रुपीज़ में लिख दो 90,000, और ये 90,000 के सामने आप शेयर्स का लिखोगे। अभी देखो एक प्रेफरेंस शेयर जो नया बना था वो प्रेफरेंस शेयर कितने का बना था, 75 का। सो करो 90,000 डिवाइड बाई 75, कितना आता है 1,200। सो 1,200 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 75 ईच, और उसका अमाउंट आ गया 90,000। मैंने क्या किया, ये जो मेरा 90,000 था वो 90,000 को 75 से डिवाइड किया टू फाइंड आउट नंबर ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट इक्विटी शेयर कैपिटल, देखो यहाँ पे इक्विटी कितना था 240 माइनस 240 कितना हो गया 0 प्लस 96 कितना बचा 96। यहाँ जाओ यहाँ पे 96,000। अभी देखो नया जो इक्विटी शेयर बना वो 100 रुपीज़ से कितने का बना 40 का। सो 96,000 डिवाइड बाय 40 दैट कम्स टू 2,400। सो 2,400 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़ 40 ईच।